नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube पर जो हम सर्च करते हैं, YouTube की जो सर्च हिस्ट्री होती है उसे कैसे डिलीट करते हैं या उसे कैसे क्लियर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम YouTube में कुछ सर्च करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे हमने लास्ट बार जो भी सर्च किया हुआ होता है वो एक लिस्ट के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा भी सर्च किया हो जो हम यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते, तो इससे में बेहतर ये रहता है कि हम इस सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर दें ताकि इसे कोई देख ना पाए। तो इसे डिलीट करना वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि YouTube की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं तो आज इस वीडियो को देख कर आप बहुत ही आसानी से अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, YouTube की सर्च हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर होगी आपकी, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दो नंबर पर ऑप्शन है क्लियर सर्च हिस्ट्री, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद क्लियर सर्च हिस्ट्री, इस पर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पहले यहाँ पर जब भी मैं सर्च पे क्लिक करता था सर्च बटन पे, तो यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में जो मैंने लास्ट बार सर्च किया था वो आ जाता था, लेकिन अभी वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।